जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ, वो ऐसा रोग निवारण मंत्र है कि जहाँ सारे मंत्र फेल हो जाएं, सभी विफल हो जाएं, लेकिन ये मंत्र ताल ठोक करके खड़ा रहता है और प्रत्येक रोग को नष्ट करने में ये पूर्ण रूप से सहायक है, क्योंकि ये ऐसा ही सावर मंत्र है, सर्व रोग निवारण सावर मंत्र है ये। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका कि रोग जो है वो पकड़ में ना आ रहा हो, भाई डॉक्टरों से सारे टेस्ट वगैरह करा लिए, दवाइयां खा ली, लेकिन वो रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस मंत्र को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है और सिद्ध करने के बाद फिर इस मंत्र से उसमें उस व्यक्ति को झाड़ा वो लगा देता है, तो उसका रोग पूर्णतः नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का सावर मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का। ऐसा सावर मंत्र शायद ही आपको देखने को मिले। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है ही, चाहे उसको मधुमेह हो, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो, या फिर गठिया बाह्य के रोग हो, किसी भी प्रकार का उसको रोग हो, प्रत्येक रोग में ये मंत्र विशेष रूप से लाभकारी है। और इस मंत्र के लिए आप ये समझिए कि बहुत ही शक्तिवान मंत्र है ये, अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो। और देखिए, सिद्ध करने की विधि भी इसकी आसान ही है, और मैं आसान विधि ही आपको बताऊंगा। और इस साधना को आप अभी जो होलाष्टका रखा है उसमें भी आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी बृहस्पतिवार से आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, इस साधना को अगर आप सिद्ध करते हैं तो केवल 11 दिन आप इस साधना को करें और सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन साबर मंत्र है, और साबर मंत्र की जो विधि है वो मैंने कई बार आपको पहले भी बताई है कि किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना आवश्यक है। तो देखिए, इस साधना को कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण विधि विधान में आपको बताऊंगा। किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं आप इस साधना को, ठीक है। अगर होलाष्टक में करना चाहते हैं तो होलाष्टक में भी कर सकते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन सुबह के टाइम स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने ही पूजा घर में एक दीपक जलाना है, ठीक है। अगरबत्ती, धूपबत्ती या पुष्प वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे भी आप पूजा करनी चाहते हैं, वैसे आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उस काली कमली वाले की पूजा करें, ठीक है। और आसन नीचे पीले रंग का बिछा लें, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है उस सावर मंत्र का आपको 21 बार आपको जाप करना है। और वो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र जो है वो इस प्रकार से है, गुरु षठ गुरु षठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। देखिए, इस मंत्र को आप वीडियो को रोक करके और इसको आप लिख सकते हैं, मैंने बोल करके बता दिया है, आप इसको लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको
इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार, क्योंकि अगर आप इसका 21 बार जाप करते हैं तो कोई भी साबर मंत्र हो वो जल्दी से और सरलता से सिद्ध हो जाता है, तो इसलिए इसका जाप करना आवश्यक है। और किसी भी साबर मंत्र का जाप आप करें तो रुद्राक्ष की माला से करें, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध हो। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, और आप ऐसी माला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद केवल आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी पूजा करनी है, और वो पूजा आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, केवल मंत्र जाप इसमें मायने रखता है बस। ठीक है, तो इसमें जो मंत्र है जो आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम, रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। अब जो ये आपको जपना है, जैसे कि मान लिया कि आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको इसमें अमुक शब्द का ही इस्तेमाल करना है मंत्र साधना करते टाइम। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं कि भाई आपको कोई रोग है और आप उस रोग के निवारण के लिए साधना कर रहे हो, तो इसमें अमुक की जगह आपको अपना नाम लेना है। ठीक है, साधना करते टाइम ही। और अगर आपको कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो फिर आप अगर मंत्र ही सिद्ध कर रहे हैं और दूसरे किसी भी व्यक्ति के रोग का निवारण करने के लिए, एक परोपकार का कार्य करने के लिए, तो आप इस मंत्र में अमुक जो शब्द है वहां पर अमुक का नाम, अमुक ही यूज करना है आपको। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा ही आपको जपना है, और इसको लगातार 11 दिन तक 21 माला रोज करना है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि जी हम 5 माला कर लें रोज, या 21 दिन कर लें, 11 दिन करना है, 21 माला रोज करना है, या फिर अगर कर सकते हो तो बृहस्पतिवार के दिन ही 108 माला का जाप कर लेना। लेकिन 108 माला जाप बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, तो 108 माला का जाप करने में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप 11 दिन तक करें और 21 माला रोज करें, तो ये मंत्र पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो जाए, तो जब भी कोई रोगी ऐसा आपके सामने आए कि जिसको कि कोई भी भयंकर रोग है, किसी भी प्रकार का रोग हो उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी रोग हो, और वो रोगी का रोग भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि या तो एक झाड़ू ले लें, झाड़ू ले करके और उस रोगी को बिठा करके इस मंत्र का 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको झाड़ा लगाना है, और जहां अमुक जो शब्द आया है वहां पर उस रोगी का नाम आपको लेना है। ठीक है, अगर झाड़ू ना मिले तो नीम की जो टहनी होती है उसको लेकर के भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। 21 बार मंत्र बोलेंगे और उसको झाड़ा लगाते रहें, तो उसका जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर लगातार आप 7 दिन ऐसा कर देते हैं तो उसका रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ये मंत्र आप किसी भी रोगी को, उसको कैसा भी रोग हो, उसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि ये उसी काली कमली वाले का है
और काली कमली वाले का नाम तो आप जानते ही हैं कि स्वयं परमात्मा है। तो उन्हीं से इस मंत्र में एक तरीके से प्रार्थना की गई है, तो इसलिए ये मंत्र बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली है। तो इस मंत्र को सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद मान लिया कि आपको किसी प्रकार का आपको भी रोग हो जाता है और आप चाहते हैं कि मैं खुद का अपना मतलब रोग हटा लूं, या आपको किसी प्रकार का रोग है, तो आप इसमें अपना नाम लेकर के कुछ दिन मंत्र जाप करें जरूर। जैसे कि अमुक का शब्द आया है तो उसमें अपना नाम लेकर के और साधना करें, 11 दिन कर ले काफ़ी है। अगर लगे कि अभी कुछ और भी मतलब शेष है रोग, तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिससे कि वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।